यूजीसी नेट के की सुनवाई का मामला जो आज सुप्रीम कोर्ट में लगा था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कोर्ट में, आज सुनवाई में हुआ कि जब हमने बहस की तो ये बताया गया कि 11 लाख 9 लाख लोग हैं जो री एग्जामिनेशन से भी और सीबीआई के रिपोर्ट से एग्रीव्ड हैं। तो ऐसे मामलों को सुनवाई करते समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब ने कहा कि देखिए, ये ऑलरेडी एक डिले भी हो गया है और ऑलरेडी एग्जामिनेशन की एक कंडक्ट करने का एक प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, तो हम इंटरफेयर नहीं करते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि देखिए, आज हमने कोर्ट में जाकर के उन लोगों की बात रखी, वो जो एग्रीव थे, जिन्होंने 18 जून को अपना एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम देने के बाद 19 जून को एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया। तो सवाल इस बात का है कि अगर कोई सीबीआई कोई इंक्वायरी हो रही है तो उसकी सीबीआई की इंक्वायरी कंप्लीट होने तक का वेट करना था, ये हमने कोर्ट को बोला। तो अब हमारा जो ग्रीवांस था इसमें ये था कि जो बच्चे एग्ज़ाम दे चुके हैं, जिनके पेपर अच्छे हुए, जो बच्चे अब दोबारा एग्ज़ाम देंगे तो वो एग्ज़ाम किस पैटर्न पे होगा, वो भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो एक मैसेज भी है कि अब सरकार को भी, सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा एक कॉन्शियस रहना पड़ेगा कि ऐसे मामले दोबारा ना हो, कि इससे कि कोर्ट में आज हमने दाखिल किया, कोर्ट में दाखिल करने के बाद हमें फैसला हमारे फेवर में नहीं आया, लेकिन हम समझते ये हैं कि उन बच्चों के करियर के साथ दोबारा कोई अन्याय ना हो, दोबारा उनके साथ कोई ऐसी बात ना हो कि जिससे कि वो जो अपनी प्रिपरेशन उन्होंने की थी, जो उन्होंने अपने एक्सपेंसेस किए थे, जो उन्होंने टाइम लगाया था एक पेपर को तैयार करने में और एग्ज़ाम देने में, तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ थी जिसके लिए हम लोग यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में आए थे, गुहार की थी हमने। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, हम इस पर इंटरफेयर नहीं करते हैं, क्योंकि ये प्रक्रिया चल चुकी है, हो चुकी है।